मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम में गरीब हितग्राहियों को राशन की पात्रता पर्चियों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गरीबों के राशन में लापरवाही और भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर कोरोना से निपटने में विफल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने समाज के गरीब तबके को रोजी रोजगार से लगाने वाली योजनाओं की जानकारी भी दी है। आपकी जिंदगी में से आसानी आएगी, मैं आप सबको बधाई देता हूं और सारे कलेक्टर्स ये ध्यान रखेंगे कि राशन ढंग से गरीबों को मिल जाए। इसमें अगर किसी ने गड़बड़ की तो वो छोड़ा नहीं जाएगा, सीधे जेल के सलाखों के पीछे होगा। 9 बजे शपथ ली, 10 बजे बल्लभ भवन चला गया। तब तक दूसरी सरकार ने कोरोना के लिए कुछ करो ही ना था, इलाज की व्यवस्था नहीं थी, अस्पताल टाई अप नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर वेंटिलेटर पीपी किट टेस्टिंग की व्यवस्था तब कुछ भी नहीं थी। अभी महामारी दुनिया में फैल रही है, बाकी राज्यों में भी बढ़ रही है। अब पहले लॉकडाउन किया, लेकिन लॉक कब तक रखते लोगों को, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, काम धंधे चौपट हो गए, बर्बाद हो गए।